कुछ चीजें अनुष्ठानिक लोगों को कभी नहीं खानी चाहिए। जो भजनानंदी है, अनुष्ठान करने वाले लोग हैं, उनको इतनी चीजें नहीं खानी चाहिए। क्या वार्ताकम, बैगुन न खाए, बैगुन नहीं। अनुष्ठानिक व्यक्ति को एक टाइम भोजन करता है तो भी उसको बैगुन नहीं खाना चाहिए। और मूलकम, मूली न खाए, मूली न खाए, मूलकम। कुष्मांडम, पेठा। नाली केरम, नारियल, नारियल की गिदी। शिव महापुराण की कथा में तो इसको निषेध कहा गया। पलांडुम, प्याज, मना किया गया है। लहसुनुम, लहसुनुम, लहसुन। हिंगुम, हींग। ये कथा के दिनों में इन सब चीजों का सेवन न किया जाए। काम आदि षड्विकारम च दुजानाम च विनिंदनम पतिव्रता सताम निंदाम ब्रजेत कथा व्रति। शिव महापुराण की कथा में यदि पतिव्रता की निंदा कर दी, ब्राह्मण की निंदा कर दी, संत महापुरुषों की निंदा कर दी, तो कथा का फल 0/0 हो जाएगा। पतिव्रता की भी निंदा कर दी तो भी कथा का पुण्य समाप्त हो जाएगा। चाहे जितने बेलपत्र चढ़ाए हो, चाहे जितना कुछ भी किया हो, उसका कोई भी फल नहीं मिलेगा यदि पतिव्रता की निंदा कर दी तो। लिखा, रजस्वलाम न पस्येदा पतितान्नम बदेत कथा। इन दिनों में ऋतुमती धर्म में जो नारी है उसको न देखा जाए, वो भी किसी के सामने न आवे। इस पर लिखा है, रजस्वलाम न पस्येदा पति तान्न बदेत कथा। इसमें तो ये लिखा है कि पति भी कथा सुनने को जा रहा है, वह भी उन दिनों में अपनी पत्नी को न मिले, बात ना करे। ध्वज द्वेषो वेद वर्जान वदित कथाव्रति। इसका दोष इतना ही है जितना कि ब्राह्मण से दोष करने पर जो पाप लगता है, इसका भी वही अपराध है, वही पाप है। सत्यम सोचम, जिनको पवित्रता नहीं है, वाणी पर चरित्र में संयमता नहीं है, सत्यता नहीं है, ऐसे लोगों को इन कथाओं का कुछ भी नहीं मिल पाता। इसलिए इंद्रियों पर संयम हो, चरित्रता के साथ कथा सुने तो ये कथाएं तत्काल अपना प्रभाव दिखा देती हैं।